वेलकम टू माय अन्नपूर्णी किचन। आज मैंने ले आया हूँ करेला की भुजिया। कुछ लोग इसको भुना हुआ करेला का सब्जी भी कहते हैं। अगर आप करेला को इस तरीके से कुकिंग करते हैं तो करेला का थोड़ा सा भी कड़वा नहीं लगेगा। अगर आपके घर में कोई भी या तो फिर बच्चा भी नहीं खाना चाहता है करेला, आप इस तरीके से जरूर इसको ट्राई कीजिए, तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये खाएगा। अगर मेरे वीडियो को आप इंग्लिश और बंगाली में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए देख लेते हैं। आज का रेसिपी करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले करेला ले लिया। करेला का हम बारीक काटी हुई बॉयल करने के बाद इसका पानी को हम हाथों से थोड़ा दबा कर निकाल लिया। दबाने से देखिए थोड़ा टूट गया। साथ में ले लिया हम पोटैटो, इसको भी हम बारीक काट लिया। फिर ले लिया हम बारीक काटी हुई ब्रिंजल। साथ में ले लिया एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्ची। ले लिया हम बारीक काटी हुई अदरक। ले लिया बारीक काटी ग्रीन चिली और थोड़ा सा मेथी। ले लिया काला जीरा और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। अभी हम एक फ्राइंग पैन पर ऑयल गरम करके उसमें हम पोटैटो को डाल देती हूँ और साथ में दे दूंगी स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। अभी इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा पोटैटो का कलर कितना अच्छा आया है। अभी इसको हम उतार लेंगे। मैंने फिर एक फ्राइंग पैन पर ऑयल गरम करके उसमें हम ब्रिंजल और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अभी कोई हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। अभी इसको लो फ्लेम पर हम बॉयल जैसा फ्राई कर लेंगे। बॉयल जैसा फ्राई होने के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अभी इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया। अभी इसको हम उतार लेंगे। उसी फ्राइंग पैन पर हम थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें हम तेज पत्ते और सूखी मिर्ची को भी डाल दिया। अभी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं तेज पत्ते और मिर्ची कितना अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसमें हम काला जीरा और मेथी को डाल देंगे। साथ में दे देंगे बारीक काटी हुई अदरक और ग्रीन चिली। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम बॉयल करी हुई करेला को भी डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम करेला को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखिएगा हल्दी पाउडर की वजह से इसका कलर येलो आ जाएगा। 5 मिनट के बाद करेला का कलर येलो आ गया। अभी इसमें हम फ्राई करके रखी हुई पोटैटो और ब्रिंजल को भी डाल देती हूँ। अभी इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। हम अच्छे से मिला लिया। अभी इसको हम एक बाल पर उतार लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का रेसिपी करेला का भुजिया या तो फिर भुना हुआ करेला का सब्जी रेडी हो गया। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना। मेरे आज का वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।